कोरोना के मद्देनजर छात्रों की हो रही ऑनलाइन पढ़ाई के बाद अब ऑनलाइन परीक्षा का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 7 सितंबर से 17 सितंबर तक 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा करवाई जाएगी। इस बारे जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा उपनिदेशक देवेंद्र पाल ने बताया कि छात्रों को ऑनलाइन या ऑफलाइन ढंग से 28 अगस्त तक जो शिक्षा उपलब्ध करवाई गई उसके मूल्यांकन हेतु इस परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी और जिन छात्रों के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है उन छात्रों की ऑफलाइन विभागीय निर्देशों के अनुसार परीक्षा ली जाएगी। उच्च शिक्षा उपनिदेशक ने बताया कि अब तक जिला में 30,148 छात्र प्रवेश ले चुके हैं और विभाग 98% से अधिक छात्रों को कोरोना काल में घर द्वार शिक्षा पहुँचाने में कामयाब रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे चंबा जिले में जो है वो हाई स्कूल जो है वो 84 है और हमारे सेकेंडरी स्कूल जो है 152 है। जहाँ तक हमारे पांगी की बात रही तो पांगी में हमारे 15 स्कूल जो है वो सेकेंडरी और हाई स्कूल हैं और वहाँ पर जो है सारा का सारा जो स्टडी हो रही है वो ऑफलाइन हो रही है और वहाँ के जो प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर्स और हमारे जो प्राध्यापक अध्यापक वर्ग है वो सारे बच्चों को जो है वो घर में जो है वो स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑनलाइन सुविधा नहीं हो सकती क्योंकि इंटरनेट जो है वहाँ पर नहीं है। और पीछे हमने ये एक बहुत खुशी की बात है कि पांगी जिला जो है पांगी जो हमारा डिवीज़न है वहाँ पर 100% बच्चों को जो है वो कवर कर लिया गया है, जिसमें 1103 बच्चे जो हैं वो 9th से लेकर जो है वो प्लस 2 तक जो हैं। तो ये तो हमारे वहाँ पांगी डिवीज़न का जो है ये स्थिति है। तो पांगी के जो प्रधानाचार्य और हमारे हेडमास्टर्स और जो वो बधाई के पात्र भी हैं इस संबंध में, और बाकी जो हमारे जो स्कूल्स हैं वहाँ पर हमारे टोटल जो एडमिशन्स हैं वो 30,148 के करीब हैं और जिसमें मतलब कि इस वक्त जो है वो तकरीबन हमने जो है वो 98% बच्चे जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है वो कवर कर लिए हैं, जिसमें 1.68 यानी कि 2% से भी नीचे जो बच्चे हैं वो रह गए हैं। वो कुछ लोग जो हमारे घुमंतु हैं वो दूर दराज क्षेत्रों में चले गए हैं, उनसे किसी प्रकार का जो है वो संपर्क साधा नहीं जा रहा है, तो उनको भी हम जल्दी ही फाइंड आउट करने वाले हैं। जैसे पिछली बार भी आप मेरे पास आए थे तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमारे जो है वो लगभग जो है वो 4% बच्चे जो है वो रह रहे हैं, लेकिन ये अब जो है वो 2% से भी कम बच्चे जो है वो रह रहे हैं। अब जो हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन जो स्टडी करवाई थी उसका जो फर्स्ट टर्मिनल है वो हमारा 7 तारीख से जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो इसकी डेट शीट जो है वो सर्कुलेट हो चुकी है सभी विद्यालयों में और ये पूरे हिमाचल का जो है वो टेस्ट है और पूरे हिमाचल की एक ही डेट शीट जो है और एक ही जो है वो सिलेबस होगा। जो 28 अगस्त तक जितना सिलेबस करवाया गया उसके मुताबिक जो है वो डेट शीट जो है वो जारी की गई है और साथ में सिलेबस भी। साथ में मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऑफलाइन जो हमारे जो पेपर होंगे उनके लिए जो स्ट्रेटजी है वो स्कूल के प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापकों के ऊपर जो है वो दी गई है कि वो किस तरह से जो है ऑफलाइन बच्चे जिनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है वो किस तरह से जो है वो उनको जो है वो क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए सरकार ने जो है वो गाइडलाइंस भी जो है वो जारी कर दी है। और इसके सिवाय जो हमारे ऑनलाइन जो बच्चे हैं जिन जो व्हाट्सएप पर जुड़े हैं या रेडियो या हमारे दूसरे जो माध्यम हैं उनके साथ जो जुड़े हुए हैं बच्चे उनको हम जो है वो ऑनलाइन पेपर जो है वो ले रहे हैं और इसके लिए हमें जो है वो पौना घंटा या आधा घंटा पहले जो है वो पेपर जो है वो डाल दिया जाएगा ऑनलाइन। वो सभी जितने भी हमारे स्टेट के जितने भी हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स और हमारे जो DPO डाइट हैं उनके व्हाट्सएप पे जो है ये क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे। उसके बाद हम आधा घंटा पहले जो है सारे जो हमारे प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापक हैं उनको हम व्हाट्सएप से ही पेपर जो है वो आगे भेजेंगे और उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट वाइज जो टीचर होंगे उनको जो है वो आगे ये क्वेश्चन पेपर जो है वो दे दिया जाएगा। तो उसके बाद जो है बच्चा पेपर करेगा और उसकी वैल्यूएशन जो है उसके
बात जो है वो हो जाए। सबमिट जो है वो जैसे ऑफलाइन है वो टीचर के पास ही दे दिया जाएगा, जो असाइनमेंट जो उनको दी जाएगी या जो क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा स्कूल के द्वारा, तो वो टीचर करने के बाद जो है वो टीचर के पास ही सौंपी जाएगी वो तो शीट। लेकिन जो हमारे ऑनलाइन है उस ऑनलाइन को जो है वो ऑनलाइन ही उसका इवेल्यूशन होगा और उनको जो मार्क्स जो वो बता दिए जाएंगे कि उसकी क्या परफॉर्मेंस रही। और स्कूल वाले प्राध्यापक ही इसको चेक करेंगे सर? हाँ, प्राध्यापक और अध्यापक, नाइन्थ से जो हमारे टी जी टी आर्ट्स हैं, टी जी टी नॉन मेडिकल हैं, मेडिकल हैं, हमारे ओ टी हैं, एल टी हैं, ड्राइंग टीचर हैं, ये तो नाइन्थ और टेंथ का हमारा रहेगा। और उसके बाद हमारे जो प्लस वन टू के जो विद्यार्थी हैं उनकी जो इवेल्यूशन है वो हमारे प्रवक्ता वर्ग या हमारे जो पी जी टी है वो इसका इवेल्यूशन करेंगे और उनको जो है बच्चों को जो है वो उनके मार्क्स जो है वो बता दिए जाएंगे।